जैन टॉक्स के 95th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे जोधपुर से जैन दर्शन की विदुषी डॉक्टर श्वेता जैन जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज बहुत ही रोचक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। कहते हैं कि व्यक्ति की चरित्र निर्माण के लिए उसकी आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और व्यक्ति का चरित्र ही उसके भविष्य का निर्माण करता है। So, आज हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, अच्छी आदतें और हमारा जीवन। आज का टॉक सेशन शुरुआत करूं उससे पहले मैं हमारे साथ जो आज पैनल पे जुड़े हैं ऐसे डॉक्टर श्वेता जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर श्वेता जैन ने संस्कृत में PhD हासिल की है और उन्होंने संस्कृत में MA के दौरान गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आपको शिक्षण क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक टीचिंग एक्सपीरियंस है और इसी क्षेत्र में आपने आपके कार्य के लिए 4 अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी हासिल किए हैं। डॉक्टर श्वेता जी ने 50 राष्ट्रीय और 3 अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपने कई पुस्तकों और शोध पत्रों को लिखा और संपादित किया है। जयपुर की मशहूर मैगजीन जिनवाणी की आप को एडिटर भी रह चुके। ब्रेन एनहांसमेंट टेक्निक और करियर स्ट्रीम चयन पर 150 से अधिक बच्चों और वयस्कों को आपने परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान किया है। आप इंटरनेशनल ह्यूमन प्रोटेक्शन एसोसिएशन की सामाजिक संयुक्त सचिव भी रह चुकी है। तो ऐसी श्वेता जी हमारे साथ जोधपुर से आज जैन टॉक्स की पैनल पे जुड़े हैं। मैं श्वेता जी का स्वागत करता हूँ जैन टॉक्स के 95th टॉक सेशन के अंदर। वेलकम श्वेता जी। जय जिनेंद्र। थैंक यू नील भाई, सबको मेरा जय जिनेंद्र। जैन फाउंडेशन जीवन मूल्यों को लेकर और सब तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें जैन टॉक, जैन डाइट, जैन योग, जैन शाला कई कार्यक्रम है। तो जैन योग पर प्रोफेसर जीतू भाई शाह का सीरीज चलता है समाधि सत्र पर, उसकी मैं रेगुलर श्रोता हूँ, तो मैं भी इसका लाभ ले रही हूँ नील भाई। और आप सबसे मुझे जुड़ने का ये मौका मुझे मिला, इसके लिए मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है। अब मैं मंगलाचरण से प्रारंभ करती हूँ। कारुण्य भावम जनयन्ति लोके, प्रमोद भावम प्रथयन्ति नित्यम, माधुर्य भावं जनयन्ति जीवे, जिनेश्वराते च भवन्ति पूज्याः, जिनेश्वराते च भवन्ति पूज्याः। थैंक यू सो मच श्वेता जी फॉर सच अ वंडरफुल मंगलाचरण। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस मंगलाचरण की रचना भी श्वेता जी ने स्वयं की है। उन्होंने संस्कृत के अंदर PhD की है, गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है और इतना सुंदर मंगलाचरण उन्होंने हमारे साथ फरमाया और इससे आज की सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं श्वेता जी जस्ट आप क्विकली ये मंगलाचरण का अर्थ आपके पास से जानना चाहूंगा। अच्छा, वैसे बहुत सरल अर्थ है। कारुण्यम भावम जनयन्ति लोके, लोक में जिसने कारुण्य भाव को पैदा किया है वे कौन है? वे जिनेश्वर है। ऐसे जिनेश्वर जिसने कारुण्य भाव को लोक में पैदा किया है, लोगों के अंदर करुणा का भाव पैदा किया है, प्रमोद भावम प्रथयन्ति नित्यम, और नित्य प्रमोद भाव को भी फैला रहे हैं, माधुर्य भावम जनयन्ति जीवे, और माधुर्य भाव को प्रत्येक जीव में जो पैदा कर रहे हैं, ऐसे जिनेश्वर हमारे पूज्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से इसका अर्थ बताया हमें। सो हम आज की सेशन की शुरुआत करेंगे और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है वो एक वार्तालाप के फॉर्म में चलेगा। तो श्वेता जी, आपने इतना रोचक टॉपिक सिलेक्ट किया है और मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही जीवन में उपयोगी टॉपिक है, यानी इसमें से बहुत सारे टेक अवेज रहेंगे हमारे सबके लिए। तो हम बहुत बेसिक से शुरू करना चाहेंगे, तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आदत किसे कहते हैं? आदत वैसे हमारे एक स्वभाव का हिस्सा होती है, यानी
हमारा नेचर का एक पार्ट होती है और जब भी हम किसी क्रिया को बार बार करते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में वो एनकोडेड हो जाती है और जब वो एनकोडेड हो जाती है तो आदत बन जाती है। एमटीआई के एक वैज्ञानिक हैं एंड ग्रेवियल, वो कहते हैं कि आदतें वास्तव में कभी भी गायब नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी याददाश्त या स्मरण शक्ति भी चली जाए तो भी हमारी आदतें एनकोडिंग मतलब आदतों की जो एनकोडिंग है वो बनी रहती है। यानी अगर याददाश्त चले जाने के बाद भी हम उन्हीं आदतों में वापस जीते हैं। तो इस तरीके से आदत जो है उसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो जो शरीर से रिलेटेड होती है, एक वचन से रिलेटेड होती है और जो तीसरी है वो विचार या मानस से रिलेटेड होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं किन्हीं बच्चों की हाथ पैर हिलाने की आदत होती है तो उसकी वजह से उनका जो माइंड है वो अस्थिर रहता है तो वो हाथ पैर हिलाते रहते हैं तो उसके शरीर के साथ ये जो एक आदत बन जाती है। फिर किसी कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही सीरियस होते हैं अपनी लाइफ के लिए और शरीर के लिए तो वो एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे जब वो रोज एक्सरसाइज करने लगते हैं तो वो भी एक आदत बन जाती है और जब कभी वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो उनको एक अलग सी फीलिंग होती है तो वो क्योंकि वो एक आदत के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और वचन की बात करें तो किसी की वो गाली बोलने की आदत हो जाती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब मुंह से गाली बोल देता है। और अच्छी आदतों में देखें तो हमारे जो जैन लोग हैं वो भोजन से पूर्व नवकार मंत्र बोलते हैं तो शुरू शुरू में तो कभी भूल जाते हैं कभी बोलते हैं पर धीरे धीरे ये भी एक आदत हो जाती है तो बिना मिस किए वो हमेशा नवकार मंत्र बोलते हैं। तो इस तरीके से शरीर और वचन से संबंधित आदतों की मैंने बात की। अब मैं मानसिक आदतों के बारे में भी चर्चा करूंगी तो उससे पहले आप लोगों से एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ तो आप उसका उत्तर चैट बॉक्स में लिखकर भेजें। मेरा प्रश्न आप ध्यान से सुने, मेरा प्रश्न ये है क्या प्रतिकूल परिस्थिति मतलब एडवर्स सिचुएशन जब आती है तो आप उसमें आकुल व्याकुल होते हैं, चिल्लाते हैं या गुस्सा करते हैं? तो अगर आप गुस्सा करते हैं तो अगर मान लो आपके जीवन में ऐसी 10 सिचुएशन आई है और 10 सिचुएशन में से आप 4 में गुस्सा करते हैं 6 में शांत रहते हैं तो आपको उसका उत्तर लिखना है 50 माइनस मतलब आप 50 के नीचे हैं। और यदि कोई 10 कंडीशन में से 6 या 7 कंडीशन में गुस्सा करता है और 2-3 में शांत रहता है तो उसको 50 प्लस लिखना है। तो इस तरीके से मैं मेजर कर पाऊंगी कि कैसे चल रहा है। आप मुझे उसका उत्तर लिखकर भेजें तो उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ, आप 30 सेकंड में अपना उत्तर लिखकर भेजें। बिल्कुल, मैं प्रश्न वापस रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अगर 10 प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें से अगर हम 5 से कम परिस्थितियों में आकुल व्याकुल होते हैं तो आपको 50 प्लस लिखना है और अगर माइनस लिखना है और अगर आप 5 से ज्यादा यानी कि 7-8 परिस्थितियों में आकुल व्याकुल होते हैं तो 50 प्लस लिखना है, आकुल व्याकुल नहीं होते हैं तो 50 प्लस लिखना है। बराबर श्वेता जी? नहीं, आकुल व्याकुल होते हैं तो 50 प्लस अपने को आकुलता व्याकुलता की देख रहे थे। ओके ठीक है, आकुल व्याकुल होते हैं तो आपको 50 प्लस लिखना है। 2 आंसर 3 आंसर आए, आप डरिए मत, आंसर दे दीजिए, कुछ भी नहीं करने वाले आप, जस्ट देख रहे हैं क्या स्थिति बनती है, आपको सीखने को मिलेगा इससे, स्वयं का एनालिसिस करना है इसे। 30 सेकंड हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस श्वेता जी, हो गए 30 सेकंड और लगभग बहुत सारे आंसर्स आए हुए हैं पर ज्यादातर आंसर्स 50 प्लस दिख रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, लोग सच्चाई से पेश आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। यस यस बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसके वैसे तो बहुत बार ये लगता है कि तो बहुत नॉर्मल बात है कि अगर रेंडम सिचुएशन में हम कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्सा हो जाते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात हुई, बट नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता नहीं है कि धीरे धीरे यह आपको आदत बन रही है।
और ये आदत बंदे से आप उससे निकल नहीं पाते, फिर कुछ भी हो तो वही हम रिएक्ट करते हैं। बट कुछ लोग इसको उलट भी सकते हैं, जब हम शांत रहने का अभ्यास करते हैं, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, एडवर्स सिचुएशन आती है, उस समय अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लें और अपने आप को समझें और शांत कर लें, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर वो आदत विकसित कर सकते हैं। तो जिसके आंसर 50 प्लस है, इसका मतलब वो उस आदत में आ चुके हैं, और जिसका आंसर 50 माइनस है, तो अभी उनकी वो आदत नहीं बनी है, बट बनने की चांस अवश्य है, क्योंकि ये कभी भी डेवलप हो सकती है। तो अभी हम सतर्क हो जाएं और इसको आदत नहीं बनने दें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना या इच्छा है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा भविष्य निर्माण कर सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा, जो आदतें होती हैं वो अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है, और जो अच्छी आदतें होती है उससे हमारा जीवन सरल और सुगम हो जाता है, क्योंकि जो गलत आदतों से समस्याएं पैदा होती है, वो समस्याएं इसमें पैदा नहीं होती, तो फिर हमारा जो जीवन है वो बड़ा सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, और हमारा जो संबंध है, हम अच्छे हैं तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ हमारे संबंध बनते हैं, प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध बनते हैं, अन्य गुणों का विकास भी उसी के आधार पर होता है, और जीवन के प्रति हमारी जो सोच होती है वो सकारात्मक होती है, और दूसरों के प्रति हम सहयोग और प्रेम का भाव रखते हैं, और अच्छी आदतों से समाज में आदर और सम्मान मिलता है, और ये अच्छी आदतों का पूरे जीवन काल तक इम्पैक्ट रहता है। और इसके विपरीत जब हम बुरी आदतें रखते हैं तो हमारा जीवन बहुत कठिन और निराशाजनक हो जाता है, और बहुत सी मुश्किलें हमारे अंदर हमारे जीवन में रहती हैं, और इवन मन में कषाय भी बढ़ते रहते हैं, और समाज और परिवार में हम निंदा के पात्र बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को आपको समझाया कैसे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से आदत को आपने व्याख्या दी, और आपने ये बताया कि आदत तीन प्रकार की होती है, मन संबंधी, वचन संबंधी और काया संबंधी। और जैसे कि हम काफी लोगों में हम देखते हैं कि पैर हिलाने की आदत रहती है, मीन्स कुछ भी बार बार बोलते रहना, कुछ भी निरर्थक बोलते रहना, ऐसी आदतें रहती है। सो अब समझ पा रहे कि तीन कैटेगरीज के अंदर ये सब आदतें विभाजित हैं। सो श्वेता जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा और डिटेल में बताइए कि आदतें कैसे बनती हैं। तो आदतों के संबंध में एक रिसर्च हुई है, आपको आश्चर्य होगा कि ये भी एक रिसर्च का पॉइंट है। बिल्कुल, इसके बारे में भी रिसर्च हुई है, तो जस्ट मैं नील भाई से कहूंगी एक वीडियो शेयर करें, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैसे किसी नई स्किल या कौशल को सीखा जा सकता है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक पजल बॉक्स या पिंजरा बनाया जो किसी पैडल या लैग्स के साथ खुलता था। बिल्ली बहुत ही चालाक है, क्योंकि इसने पिंजरे में से कैसे निकला जा सकता है ये जल्दी पता कर लिया। थॉर्नडाइक को विश्वास नहीं था कि चालाक बिल्ली को उसके व्यवहार के नतीजों के बारे में पता हो। जैसे इसमें देखा गया कि बिल्ली ने जल्दी से पिंजरा खोला और वो खाने की तरफ बढ़ गई और उसने खाना शुरू कर दिया। जब बिल्ली को पहली बार पिंजरे में रखा गया, तब थॉर्नडाइक को किसी भी इंसाइटफुल लर्निंग के सबूत नहीं मिले। जब बिल्ली पहली बार पिंजरे में से निकलने में कामयाब होती है तो वो सिर्फ संयोगवश या बाय चांस ऐसा कर पाती, और वो धीरे धीरे जब प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है तो वो पिंजरे को खोलने के बारे में पूरी तरह से जान जाती है। थॉर्नडाइक ने ग्राफ की सहायता से सीखने को मापा। जब बिल्ली को पूरा अभ्यास हो गया तो वो जल्दी से उन क्रियाओं को याद करती है जिनसे वो पिंजरे से बाहर निकली थी और खाना खाया था। थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर किसी काम को करने से इनाम या रिवॉर्ड मिलता है तो वह काम सीखने वाले के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाता है। उसने कहा कि किसी का व्यवहार किसी काम के नतीजों की वजह से बदलता है,
इसको थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम भी कहा, जिससे नई आदतें बनती हैं। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझ पाए होंगे कैसे क्या हुआ। तो अभी मैं आपको वर्बली भी इसको और समझाती हूँ कि 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये प्रयोग किया और ये अमेरिकी वैज्ञानिक रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान पर इनकी पुस्तक भी है। तो सबसे पहले इन्होंने उस व्यवहार को देखने के लिए बिल्ली के लिए पजल बॉक्स बनाया जिसमें लीवर दबाकर दरवाजा खुलता था। लीवर का मतलब है जैसे आजकल कूड़ेदान आते हैं ऐसे जिसमें पैर दबाने से वो उसका ढक्कन खुल जाता है, आजकल सब लोग यूज करते हैं उसको। तो वो ही एक लीवर की तरह था। तो उसमें एक लीवर था जिस पर पैर दबाओ, उस पर पैर आते ही वो दरवाजा खुल जाता था। तो बिल्ली के लिए खाना बाहर रखा था और जब बिल्ली को उसमें डाला गया तो वो बार बार दीवार से टकरा रही थी, कभी इधर कर रही थी, मगर उसको वो रास्ता नहीं मिला और धीरे धीरे करते उसका पैर उस लीवर पर गिर गया तो दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला वो पजल बॉक्स से बाहर आई और उसने खाना खाया, यानी उसको रिवॉर्ड मिला। तो उसे समझ में आया कि जैसे ही इस तरीके से ये दरवाजा खुलता है तो मुझे खाने को मिलता है, यानी रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड जब मिलने लगा तो उसकी लर्निंग शुरू होने लग गई और फिर वापस उसको पुनः दरवाजे उसमें डाला गया पजल बॉक्स में। तो इस बार थोड़ा सा पहले से कम टाइम लगा, यानी उससे थोड़ा कम टाइम में उसने लीवर पर पैर रखा और वापस से उसको खाना मिल गया। तो फिर एक दिन बाद इस तरीके से कई बार ये प्रयोग किए गए। तो उन्होंने देखा कि बिल्ली जितनी बार जाती उतनी बार उसको कम समय लग रहा था और एंड में आते आते वो जाते ही उस पर पैर रखती, दरवाजा खोलती और खाना खा लेती। तो इस तरीके से उसकी गलतियां कम होती गई। जब पहले उसने किया तो उसको समझ में नहीं आया, धीरे धीरे जब समझते समझते वो उसकी क्रियाएं जो है वो ऑटोमेटिक हो गई, जिसको स्वचालित कह सकते हैं, ऑटोमेटिक हो गई। तो ये एक चीज है जिससे हमको पता चलता है कि हमारी आदत कैसे बनती है, कि जिस व्यवहार से हमको पारितोषिक मिलता है वो पारितोषिक किसी रूप में भी हो सकता है, खाने के रूप में, पैसे के रूप में, संतोष के रूप में, आनंद के रूप में। तो वो जब हमको मिलता है तो हम उसको सीखना चालू कर देते हैं और फिर जब उसको बार बार करते हैं तो करते करते वो एक आदत बन जाती है। तो आदत बनने के दो कारण हुए, पहला हुआ पारितोषिक मिलना यानी रिवॉर्ड मिलना और दूसरा उसको पुनरावर्तन यानी बार बार करना। तो पारितोषिक जब मिलता है तो उस क्रिया को हम बार बार करने की हमको एक प्रेरणा मिलती है और जब बार बार करते हैं तो वो क्रियाएं सहज और स्वतः होने लगती है और जो भी क्रियाएं सहज और स्वतः होती है वे आदत कहलाती है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम शुरुआती समय में जब कोई काम करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बहुत एक्टिव रहता है, यानी हमारा चेतन मन बहुत क्रियाशील रहता है और जैसे ही जैसे हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो हमारी चेतन मन की क्रियाशीलता कम होने लगती है और अवचेतन मन में यानी अनकॉन्सियस माइंड में वो प्रक्रिया अंकित हो जाती है जिसकी वजह से हमको अभी ज्यादा कॉन्सियस माइंड उस पर काम नहीं करता है, फिर वो अनकॉन्सियस माइंड से वो क्रियाएं होती रहती है। जो आदत होती है वो अनकॉन्सियस माइंड से चलती है तो वो सहज और स्वतः होती है। और इसको प्रैक्टिकली आप सब ने महसूस किया होगा, जिसने भी साइकिल चलाना सीखा तो शुरुआत में क्या होता था कि साइकिल में हैंडल संभालते थे तो पैंडल घूम जाते थे, जब पैंडल देखते थे तो हैंडल घूम जाते, हैंडल पैंडल सब संभाल लेते हैं और बातें करते हुए हम साइकिल चला लेते हैं। और बाइक में तो गियर भी होते हैं तो गियर और सब सीखने में प्रोसेसिंग लगती है और फिर सीखते सीखते एक लर्निंग क्रिएट हो जाती है और सब स्वचालित हो जाता है, यानी सब ऑटोमेटिक हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा वो होने लग जाता है। और ये क्रियाएं बहुत जगह होती है, जैसे आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अगर कोई झूठ बोलता है चोरी करता है तो शुरू शुरू में आप देखते हैं अपना चेतन मन कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, बट कहते नहीं नहीं कर लेते हैं कोई बात नहीं, बाद में छोड़ देंगे, एक बार की तो बात है। और जब एक बार करता है और पकड़ा नहीं जाता है तो फिर कर लेता है तो करते 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 कब आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता और वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो फिर ऑटोमेटिक होती है। और ऐसा कई बार देखने में आया है कि जो अच्छे पैसे वाले हैं वो आदत चोरी करते तो उनको कब
क्या उठा लेके चले जाते हैं उनको समझ भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से हमारे अंदर आदतें क्रिएट होने लग जाती है और क्रिएट हो जाती है, ये तरीका है आदत क्रिएट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बताया कि बार बार वो एक्टिविटी करने से, और अगर उसके पीछे कोई रिवॉर्ड है तो वो आदतें हमारी जल्द से जल्द बन जाती है। सो श्वेता जी, हम अक्सर देखते हैं कि बुरी आदत बनाने के लिए हमें बिल्कुल समय नहीं लगता, वो तुरंत बन जाती है, पर जब अच्छी आदतों की बात करते हैं तो उसके अंदर काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसके संबंध में मैं श्रोताओं से भी जानना चाहूंगी कि बुरी आदतें आसानी से बन जाती है और अच्छी आदत बनाने में मेहनत लगती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, यानी आप अग्री करते हैं? अगर आप अग्री करते हैं तो आप यस लिखिए, यानी वाई लिखिए, ओनली वाई से हम यस समझेंगे, और नहीं अग्री करते हैं तो आप एन लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि ये भी आप इसमें अग्री नहीं करते, सभी अग्री कर रहे हैं। बिल्कुल सभी अग्री कर रहे हैं, वाई वाई ही दिख रहे हैं। हाँ, तो कोई नहीं, सब सबने महसूस किया इस चीज को। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये चीज तो हम देखते भी हैं कि अगर कोई बच्चा गाली गलौज करने वाले दोस्तों के साथ रहता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 2-3 दिन में वो चीजें सीख लेता, बोल लेता फटाफट। और वही अगर आप उसको किसी संस्कारी और स्टूडियस बच्चों के साथ रख दें तो कई महीनों और सालों लगते हैं उसको उन चीजों को ग्रहण करने। तो ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है उसके द्वारा समझते हैं। एक्चुअली जो आदत होती है वो डोपामीन की फीडबैक लूप से बनती है, यानी डोपामीन, जब डोपामीन, अभी सब सोच रहे होंगे डोपामीन क्या है, तो पहले वो क्लियर कर दें। डोपामीन हमारे माइंड से यानी मस्तिष्क से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है डोपामीन, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी, कोई भी हमको लत लगती है, लत यानी जो भी एडिक्शंस होते हैं उसके पीछे हमारे अंदर जब ज्यादा मात्रा में एक्सेस में डोपामीन रिलीज होता है तो वो रिलीज होने से हमको मजा आता है, यानी हमको अच्छा लगता है। तो वो मजा आने के कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति को बार बार वो क्रिया करने के लिए वो प्रेरित करता है कि अरे उस क्रिया को करने में बहुत मजा आया तो उसको वापस से करता है। तो ऐसे करते करते वो कब व्यसन से ग्रस्त हो जाता है उसको पता नहीं चलता, और ऐसे ही हम देखते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, वीडियो गेम, जंक फूड, शराब, जुआ, चोरी, शिकार, वैश्य गमन, सोशल मीडिया पर लाइक मिलना भी एक, ये भी कह सकते हैं व्यसन हो गया है। तो इन बुरी आदतों में क्या होता है कि मस्तिष्क को जल्दी से रिवार्ड मिल जाता है, और रिवार्ड मिलने से वो बार बार उसको करना आसान हो जाता है, और इसमें रिवार्ड क्या है, मस्तिष्क के लिए रिवार्ड है डोपामीन का रिलीज होना। तो उसके लिए जब डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है तो उसको और मजा आता है, तो उस कार्य के लिए प्रेरित होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें रिवार्ड मिलने के कारण हमको प्रेरणा मिलती है और उस क्रिया को बार बार करने की इच्छा जगती है, उसकी वजह से ये आदतें जल्दी बनती है, बुरी आदत। और पहली बार जब कोई नशा करता है तो उसको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, बट परिस्थिति ऐसी होती है, दोस्त मिल जाते हैं वो कहते हैं नहीं करो करो, या घर परिवार में कुछ ऐसा बड़ा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको देख निके करने लग जाता है, बट मन तो उसको स्वीकार नहीं करता है किंतु वो कर लेता है, और फिर एक बार जब करता है धीरे धीरे बार बार करता है तो पुनः उसके वो अनकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाती है, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है, वो जब अनकॉन्शियस माइंड उसको उकसाता है तो वो खुद ही उसको करता चला जाता है और उसमें फंसता चला जाता है। इसलिए चीजों की जो शुरुआत है वो आसानी से होती है बट धीरे धीरे ये बढ़ जाती है और परेशानी होती है, और ये परेशानी आगे बढ़ जाती है तो उससे वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी कारण जो व्यसन मुक्त जीवन जीना जरूरी है ये हमको साधु संत समझाते हैं, और हमें तो कुव्यसन, सप्त कुव्यसन का त्याग भी करवा देते हैं, और इस त्याग, ये त्याग हमारे लिए बहुत बड़ी महत्व की कृपा है उनकी, क्योंकि उनको पता है कि ये आदत एक बार लग गई तो आसानी से इससे निकल नहीं सकते, तो उनसे पहले से ही हमको दूर करके रखते हैं, तो ये हम पर हमारा बहुत बड़ा वो भला करते हैं, और इसी से तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे कि व्यसन जो है वो बुरी आदत है, वो बड़ी आसानी से
क्यों लग जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी अच्छी आदतों के बारे में कि अच्छी आदत बनाने में आपको काफी मेहनत काफी टाइम क्यों लगता है, क्योंकि अच्छी आदतें जो होती है वो आकर्षक नहीं होती है, उसको उसमें जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो रिवॉर्ड यहाँ माइंड को रिवॉर्ड क्या है, डोपामिन नहीं मिलता उसको, डोपामिन रिलीज नहीं होता जल्दी से, जिसकी वजह से वो बार बार करना नहीं चाहता उस चीज को, और जब करता नहीं है तो आदत बनना तो मुश्किल ही है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, कोई अपने अंदर एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहते हैं मन, और वो एक्सरसाइज एक दिन करता है तो क्या होता है, उसका हाथ पैर दुखते हैं, तो दुखने के बाद दूसरे दिन करने की भी इच्छा नहीं होती, तो डोपामिन रिलीज होने की तो बात थोड़ी बाद में आएगी। तो अभी वो जब दर्द होता है तो हमको इच्छा नहीं होती कि हम दूसरे दिन एक्सरसाइज करें, बट फिर भी जिसका मनोबल होता है कि नहीं मुझे करना, मुझे पता है इसका लॉन्ग टाइम में फायदा होगा इसीलिए करना, और वो करता है दूसरे दिन तीसरे दिन, तब पे जाके वो आदत बनती है। बट एक सामान्य व्यक्ति जिसका मनोबल मजबूत नहीं होता है तो वो इसको करना उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वो आकर्षण उसमें नहीं आता है, और आकर्षण नहीं होने से डोपामिन स्पाइक नहीं होने से वो रिवार्ड नहीं मिलता है, और उसको हमको बार बार करने की इच्छा नहीं होती है। तो जिसकी वजह से हम कोई भी अच्छी गतिविधि करना चाहते हैं मगर वो निरंतर नहीं रख पाते, और जब तक निरंतरता किसी चीज की नहीं होती है वो आदत नहीं बनती है, और निरंतर अच्छी चीजों का निरंतर होने से जब वो आदत बनती है तब फल मिलता है। यानी एक्सरसाइज जब आप महीनों सालों करेंगे तब आपके जो स्वास्थ्य में इम्पेक्ट दिखेगा वो अलग ही होगा, वो दूसरे से अलग ही दिखता है, बट वो चीज लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो एक अच्छी आदत आसानी से नहीं बनती, उसके लिए धैर्य विश्वास मेहनत समर्पण सभी चीजों की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अच्छी और बुरी जो आदतें हैं वो क्यों जल्दी और देरी से बनती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डोपामिन के बारे में और जानकारी देना चाहूंगी कि डोपामिन का हमारे माइंड के साथ एक विशेष कनेक्शन है। जब हमारी जो मेमोरी पावर है, जो प्रेरणाएं हैं, क्रियाएं हैं, ये सब उसी हार्मोन से प्रभावित होती है। तो जब हमको सम्मान और खुशी मिलती है तो उस समय ये हार्मोन रिलीज होता है, ये वही हार्मोन जिम्मेदार होता है इस चीजों का। तो इसके लिए इसको प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से भी जाना जाता है, इसको ये नाम भी दिया जाता है। डोपामिन के शरीर में कम और ज्यादा दोनों होने पर समस्या होती है। अगर ज्यादा होती है तो हम आक्रामक और डिप्रेशन में चले जाते हैं, निद्रा आदि समस्याएं हो जाती है, और कम होने पर वजन कम हो जाता है, प्रेरणाहीन हो जाते हैं, पार्किंसन रोग हो जाता है। तो ये संतुलित मात्रा में होना चाहिए। जब ये संतुलित होता है तो हम ऊर्जावान और आत्मप्रेरित बने रहते हैं। और संतुलित रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको योग ध्यान प्रकृति के साथ जुड़ना, गहरी नींद लेना, लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना, सेवा के कार्य करना, ये सभी जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर तरीके से साइंटिफिकली भी आपने डोपामिन के कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरह ये हार्मोन हमारी आदतों को भी प्रभावित करता है। सो अब जब हम अच्छी आदत और बुरी आदत के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर बुरी आदत हमारे जीवन में आ गई है तो उसको कैसे बदला जाए, यानी क्या आदतों को बदला जा सकता है, उसको कैसे जीवन में से निकाला जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आदतों को तो डेफिनेटली बदला जा सकता है, क्योंकि आदतें जो होती है वो विधाता का विधान नहीं है, ये तो हमारे द्वारा ही बनाई गई है, तो हम इसको बदल सकते हैं। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, और दृढ़ संकल्प के साथ हमको कुछ स्टेप भी इसके लिए उठाने रहते हैं। तो एक पहला स्टेप आप इस रूप में कर सकते हैं, जिस आदत को आपको बदलना है उसके स्थान पर आपको एक नई आदत डेवलप करनी होगी, उसका निर्णय लेना होगा, तो उस आदत से आप उसको बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे किसी को च्विंगम चबाने की बुरी आदत हो गई, तो वो बार बार मुंह में चबाता रहता है, तो इसके लिए अगर उसको छोड़ना है तो सौंफ की आदत डाल दे, सौंफ खाने की आदत डालने से उसकी आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। फिर दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि जिस आदत को आपको बनाना है उस आदत को आप डायरी में नोट कर लीजिए, और उसको सुबह उठकर उसको देखिए और विजुलाइज कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए कि मैं इस तरीके से उसको कर रहा हूँ, और अपने आप को उस रूप में देखिए। फिर तीसरे स्टेप के रूप में ये हो सकता है कि नई आदत को आप अपनी एक, क्या होता है नई आदत जब हम कुछ को शुरू करते हैं तो भूल जाते हैं, आज के
की फिर गैप आ गया, फिर याद आ गई, फिर कर लिया, तो ऐसे वो नहीं आदत बनती नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपकी जो रूटीन है उसमें कोई एक क्रिया से आप उस आदत को जोड़ लें, यानी मैं ब्रश के बाद ये करूंगा या खाने के बाद, किसी के भी बाद या आगे पहले कुछ भी जोड़ के आप रखेंगे तो निश्चित रूप से वो आप भूलेंगे नहीं और वो रूटीन हो जाएगा धीरे धीरे। और रात्रि में भी आप उसको दैनिक क्रियाओं का जो आप करते हैं उसका मन में अवलोकन कर सकते हैं कि मैंने जो आदत डालनी चाहिए थी वो आज की या नहीं, और बराबर से हुई या नहीं। तो इस तरीके के स्टेप जब आप किसी आदत को डालने के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वो आदत बदल सकती है। और आदत के बदलने के संबंध में संस्कृत साहित्य में एक सुंदर श्लोक मिलता है, वो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतता। जैसे किसी के स्वभाव या आदत को सलाह देकर या उपदेश से नहीं बदली जा सकती, तो स्वभाव नोपदेशेन शक्यते कर्तुम अन्यथा, यानी उसको अन्यथा नहीं किया जा सकता। किसी ने उपदेश दिया ऐसा नहीं करना और वो बदल जाए, जैसे मैंने आज आपको कहा, बट मैंने उपदेश नहीं दिया, मैंने साइंटिफिकली आपको बताया है। तो इस तरीके से उपदेश देकर किसी की आदत को बताना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे पानी को अच्छी तरह गर्म किया हुआ है और उसको आग से उतारा तो थोड़ी देर में वो खुद से ही ठंडा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आदत जो है वो उपदेश से सिर्फ पानी की तरह गर्म तो होती है बट वो थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है, उसको बदलने की जो इच्छा है वो शीतल हो जाती है। इसलिए आदत को बदलने के लिए दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है और आदत को बदलने के लिए समय भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं आज आपने सोचा और कल आपकी आदत बदल गई, नहीं, उसको एक टाइम लगेगा और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी, इच्छा, समय और मेहनत, तब आपकी आदत बदल सकती है। और समय के साथ अगर आदत नहीं बदलते हैं तो हमको उसका भारी नुकसान उठाना भी पड़ जाता है। जैसे बचपन में हमारी कम बोलने की आदत रही हो और बड़े होकर हम कोई सेल्समैन बन गए, अब वहां पर अगर कोई आदत आप बना के रखेंगे तो आपको भारी नुकसान हो जाए। तो हमको इसलिए समय पर अपनी आदतों को बदल लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, आपने बहुत खूब बताया कि इच्छा, समय और मेहनत, ये तीन चीज इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी आदतों को बदलने के लिए। और आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज भी बताए कि किस तरह हम हमारी आदतों को बदल सकते हैं। अब श्वेता जी, हम जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर है तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जैन धर्म अच्छी आदतों के विकास के लिए कैसे सहायक हो सकता है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जैन कुल में पैदा हुए, क्योंकि जैन कुल में पैदा होने से ही कई अच्छी आदतों का विकास स्वतः ही हो जाता है। तो ये हमको बपोती के रूप में मिलती है। जैसे सबसे पहले हम आहार की बात करें तो शाकाहार हमको आदतन मिलता है, एक अच्छी आदत के रूप में हमारे अंदर आ जाता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि आहार करना भी क्या एक आदत है। यस, आहार करना भी एक आदत है। जिस फैमिली में आप पैदा होते हैं उसी प्रकार का आप आहार करते हैं, जो बनता है वैसे ही स्टेज का आहार करने की आप आदि हो जाते हैं। और साकार की आदत से आप कई पापों से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं और बुरी संगति से और भी उसके साथ जो जुड़े हुए पाप हैं वो सब उनसे आप दूर रहते हैं। और जैन शास्त्र की मैं बात करूँ तो उसमें भी अच्छी आदतें डेवलप करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जैसे उत्तरादन सूत्र में सबसे पहला अध्ययन विनय की बात करता है, जो हमें सिखाता है कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जो इस आदत में रहता है उसका एक व्यक्तित्व अलग ही निखर के आता है और हर जगह उसको उसका लाभ मिलता है। और जैन धर्म में उनोदरी की शिक्षा दी जाती है, जिसमें भूख से सिर्फ एक दो कौर कम खाना होता है। और इस आदत से हम ठूस ठूस कर भोजन नहीं करते हैं, फिर हम थोड़ा कम में ही अपने आप को संतुष्ट कर देते हैं। और ये आदत जब विकसित हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लॉन्ग लाइफ तक ये फायदेमंद रहती है। और झूठा नहीं डालने की आदत जैन धर्म हमको सिखाता है, इसमें अन्न की महत्ता का हमको बोध होता है कि बचपन में ही हमको ये सिखा दिया जाता है कि आपको अन्न को झूठा नहीं डालना है, जिससे हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसका सम्यक रूप से उपयोग करना सीखते हैं
यानी वातावरण को अच्छा रखने में हम सहायता करते हैं, और जैन धर्म में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, तो सेवा का जो ये पहलू है ये भी हमारे जीवन को एक नया आयाम देता है और हमारे भीतर बहुत सी अच्छी आदतें विकसित करने को आधार देता है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो आध्यात्मिक भावनाओं का विकास होता है, विनय गुण प्रकट होता है, और जब माता पिता की सेवा करते हैं तो उनसे हमको प्रेम वात्सल्य गुण प्रकट होता है, और तप करने से, तप करने भी जैन जो लोग हैं वो तप करते हैं, और तप करने से हमारी शारीरिक सहन शक्ति बढ़ती है, रसों के प्रति जो हमारे मन में आकर्षण होता है उस पर हम नियंत्रण कर पाते हैं, तो ये तप के द्वारा हमारे हमारे अंदर कई अच्छी आदतों का विकास होता है। और अगर वचन संबंधी आदतों के बारे में विचार करें तो वचन के संबंध में भी बहुत सुंदर बात दसवीं कालिक में कही गई है। उसमें बताया गया है कि हमको लिमिटेड शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए और ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए जो डाउटफुल नहीं हो, और काट छाट के बिना स्पष्ट वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके लिए वहाँ एक पद्य आता है, दिट्ठम मियम असंदिग्धम पटिपुन्नम व्यंजियम अयम पीरमन्नु दिक्कम भाषम निहिर उत्तम। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो बोल मतलब तात्पर्य ये निकलता है कि बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं यदि झूठ होगा और गलत होगा तो दूसरों को उससे चोट पहुंच सकती है, इसलिए बोलने से पहले हमको सोच लेना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता है या नहीं। अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, और अगर हम देखते हैं कि उसको बोलने से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसको हमको नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए बोलते समय हमें जागरूक रहना चाहिए। और सूत्र कीर्तन में एक बात आई है, झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, नो तुच्छे नो या विकथा इज्जा, यानी वाणी से हम कभी भी ऐसी प्रशंसा नहीं करें या किसी को तुच्छ नहीं बताएं, ये बात वहां आई है। तो कितनी बार मैं देखती हूँ कई लोगों की आदत हो जाती है कि वो झूठी प्रशंसा करते हैं, तो ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कितनी बार लोग उसका निरादर भी करते हैं और हम किसी के गुणों का उसमें आदर नहीं करते जब झूठी प्रशंसा करते हैं। अगर हम सच्ची प्रशंसा करते हैं तो किसी के गुणों का आदर करते हैं और उन गुणों को लेने के लिए कोशिश भी करते हैं, यानी उन गुणों की ओर आकर्षित होकर उनको अपनाने के लिए प्रयास करते हैं। और एक और श्लोक है दसवें कालिक में, वाया दुरताणी दुरदराणी वैराणु बंदिणी महभयानी, कि वाणी से हम दुष्ट और कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऐसे वचन बोलने से हम जन जन जन्मांतर यानी अगले जन्म के लिए भी वैर और भय के कारण वो बन जाते हैं। तो मुख से जो शब्द हमारे निकले वो मृदु हो, क्योंकि एक जगह ऐसा सुनने को मुझे मिला कि मुख से निकले शब्दों के दांत नहीं होते, मुख से जो हमारे शब्द निकलते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो बहुत गहरा गाव हो जाता है, और कभी तो जीवन समाप्त हो जाता है पर हम गाव नहीं बनते। तो ये सभी बातें हमको मृदु और हितकारी वाणी बोलने के लिए प्रेरित करती है। अब अंतिम बात रह गई है वैचारिक और मानसिक आदतों के बारे में। तो जैन धर्म जो है वो आत्म शुद्धि पर बल देता है, और आत्म शुद्धि में विचार शुद्धि का बड़ा महत्व है। तो विचार शुद्धि जो होती है वो क्रोध मान माया लोभ और कषाय इनको कम करने से होती है। तो ये जब कम होते हैं तो हमारे भीतर जो कुंठित विचार आ रहे हैं, कुछ जो विचार हमको ब्लॉक करते हैं वे दूर हो जाते हैं, और हमारी जो मन स्थिति होती है वो कुछ नया सीखने के लिए नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसमें हम हर समय अपने आसपास जो भी घटनाएं होती है उससे सीखते हैं समझते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो इसी बात को जो हमारे पाश्चात्य लेखक हैं राइटर्स हैं जो अभी नए राइटर्स हैं वो भी अपनी इन्हीं चीजों को अपनी किताबों में रखते हैं बताते हैं। तो इसी के सिमिलर मैं बात यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ कि स्टेफन कोवे एक हुए हैं लेखक, उन्होंने एक बुक लिखी है सेवन हैबिट्स। तो सेवन हैबिट्स में एक जो हैबिट है सेवन नंबर की वो है शार्पन द शॉक,
ये शार्पन द सॉ हैबिट में वो जो लेखक है वो कहते हैं अपनी पुस्तक में कि जैसे आप जंगल में वॉक करने गए हैं, घूमने गए हैं और आपको एक आदमी नजर आता है जो छोटे से पेड़ को काट रहा है, तो आप देखते हैं कि वो आदमी काफी थक गया है, आप उससे पूछते हैं कि आप कितनी देर से ये काम कर रहे हो, तो वो आदमी कहता है कि 5 घंटे हो गए और मैं थक कर चूर हो गया हूँ और ये बहुत मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देते हैं कि आप थोड़ी देर ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए और अपनी ये जो आरी है इसको थोड़ा शार्प कीजिए, उसकी इसको शार्प करने की जरूरत है और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत तेजी से अपना काम कर पाएंगे। बट वो मना कर देता कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, तो ये शार्प वगैरह करने का काम मैं नहीं कर सकता, आरी को शार्प करने का समय मेरे पास नहीं है। तो ये जो स्टोरी है ये स्टोरी हमारे जीवन पर भी इम्प्लीमेंट कर सकती होती है, लागू होती है, क्योंकि किसी भी चीज को इफेक्टिवली जब यूज करना होता है तो उसको आरी की तरह तेज करने की जरूरत होती है। तो ठीक इसी तरह जब हम खुद को और बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जो एसेट्स हैं, संपत्ति है, उसको शार्प करने की जरूरत है। तो हमारे जो एसेट्स हैं वो क्या है, बॉडी माइंड और सोल, तो इनको शार्प करने के लिए हमें योग स्वाध्याय ध्यान की आवश्यकता होती है। योग के द्वारा हम बॉडी को स्वाध्याय से माइंड को और ध्यान से अपनी आत्मा को शार्प कर पाते हैं। तो ये चीजें हमको अपनी आदत बनानी चाहिए, इसको शार्प करने की एक आदत हमको डालनी चाहिए। फिर एक और बात मैं बताती हूँ नजरिए के बारे में कि हमारा जो नजरिया होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, वो हमारी सोच भी लिमिटेड होती है। तो अनेकांत सिद्धांत जो है वो हमारी सोच को विस्तृत और व्यापक बनाता है, और जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं और अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं तो हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं और जो लोगों की डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है उसको हम जान पाते हैं, क्योंकि हर कोई दुनिया को अपनी अलग नजर से देखता है और हम इस सिद्धांत के द्वारा उसके डिफरेंसेस, जो उसकी सोच के डिफरेंसेस है उसको हम स्वीकार कर पाते हैं, और इस स्वीकार करने से हम एक दूसरे के विचारों की कद्र करना भी सीखते हैं। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो खुश रहना और दुखी रहना भी एक आदत है। हाँ, कई लोगों को लगता है ये कैसी आदत है, जी हाँ, प्रसन्न रहना और दुखी रहना ये भी एक आदत है, और जिसको खुश रहने की आदत होती है ना वो हमेशा हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखता है, और जिसको दुखी रहने की आदत होती है उसके साथ कुछ अच्छा भी हो जाए तो भी वो उसमें दोष ढूंढ लेता है और दुखी हो जाता है। और इसके लिए आचरण सूत्र की एक जो पंक्ति है, नो उच्चा वयम मे नियंचिज्जा, यानी जो संकट की परिस्थितियां होती है उसमें मन को ऊंचा नीचा डामाडोल नहीं होने देना चाहिए। तो ये बात कब हो सकती है, जब हम हमारी आदत खुश रहने की हो और हम सब सकारात्मक दृष्टि में जिए, तब हमारी जब ये आदत बनेगी तो निश्चित रूप से हम प्रसन्न रहेंगे और ऊंची हर परिस्थिति में मन को ऊंचा नीचा नहीं होने देंगे, डामाडोल नहीं होने देंगे, और जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारी शिकायत करने की आदत भी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी अच्छी आदतें होती है अगर वो एक साथ शामिल हो जाए तो वो शील कहलाती है, और जैन धर्म शील और सदाचार को मुक्ति का सोपान मानता है और कहता है शीलम मुखस्य सोपान। मुझे लगता है समय हो रहा है तो बस जस्ट 2-3 पंक्तियों में बात को मैं कंप्लीट करती हूँ कि एक तो लास्ट में ये भी कहना चाहूंगी कि डायरी लिखने की हमको एक अच्छी आदत अपने अंदर डालनी चाहिए, और जितनी भी हम रोज कुछ नई बात सीखते हैं उसमें लिखना चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। तो ये भी एक स्वाध्याय है, वो अपने आप का स्वाध्याय है। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि अच्छी आदतें चरित्र निर्माण की उर्वरा भूमि होती है, और अच्छी आदतें व्यक्ति को समाज के विकास में हिस्सेदार और भविष्य निर्माण में भागीदार बनाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती है। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच श्वेता जी इतने वंडरफुल सेशन के लिए। आपने बताया कि जैन धर्म जो है वो हमारे अच्छी आदतों के विकास में किस तरह सहायक हो सकता है, तो आपने बताया कि कुछ तो हमें आदतें जैन धर्म जैन कुल में जन्म लेने से ही मिल जाती हैं, और जैन धर्म के ऐसे काफी सिद्धांत हैं, ऐसी काफी क्रियाएं हैं
जिससे हम बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतों को हमारे अंदर विकसित कर सकते हैं। तो बहुत ही इंसाइटफुल आज का ये सेशन था। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो श्वेता जी से, तो आप अपना हैंड रेस करिए। आई विल अलाउ यू टू आस्क हर डायरेक्टली। मैं आपको अलाउ करूंगा, आप डायरेक्टली उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। सो किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आया हुआ है, क्या बच्चों के अंदर अच्छी आदतें अपनाने के लिए हमें उन्हें बार बार कुछ ना कुछ रिवॉर्ड यानी कि कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए? बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है कि बच्चों को रिवॉर्ड देते रहना चाहिए। हाँ, स्कूल को ऐसा रिवॉर्ड दीजिए जो वो रिवॉर्ड की भी आदत नहीं बन जाए, क्योंकि रिवॉर्ड भी कभी आदत के रूप में विकसित हो जाए तो वो एक दिक्कत हो जाती है। वो आदत बने और वो जो रिवॉर्ड है वो उसके लिए आकर्षक हो, तो निश्चित रूप से रिवॉर्ड देकर हम उसके उनके अंदर आदतों को विकसित कर सकते। ओके, यानी हमें विवेक रखना है कि रिवॉर्ड की भी उनको आदत ना बैठ जाए। राइट, बिल्कुल। सो आई गेस आज का टॉपिक बहुत ही सरल था और एकदम क्लियरली सबको समझ में आ गया। तो और कोई प्रश्न इतने आए नहीं है, पर डेफिनेटली बहुत सारे टेक अवेज हमें मिले हैं ऑलरेडी इस सेशन के अंदर, और काफी लोगों ने तो चिंतन भी शुरू कर दिया होगा। आपने जो एक डायरी का कॉन्सेप्ट बताया है वो भी बहुत यूजफुल है। आपने 2-3 बार मेंशन किया डायरी के बारे में, और आपने आज एक बहुत सुंदर बुक के बारे में बताया जो जेम्स क्लियर की है, और एटॉमिक हैबिट, जो बहुत ही बड़े अच्छे लेखक है और उनकी बहुत ही सुंदर बुक है। तो डेफिनेटली वक्ता उसको भी रिफर कर सकते हैं अच्छी हैबिट्स अपनाने के लिए। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले मैं दिल से आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर श्वेता जी के लिए, जो जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने अपना अमूल्य समय जैन टॉक्स की इस मंच के ऊपर दिया। थैंक यू सो मच श्वेता जी फॉर कमिंग ऑन जैन टॉक्स प्लेटफॉर्म एंड ग्रेसिंग अस एंड गिविंग अस एनलाइटनिंग अस विद योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। आमेनि सर्वे जीवे सर्वे जीवा खमंतु मे मित्ति मे सर्व भूये सुख वैरम मज्जन केणे सर्वथा सब सुखी थाओ पापना पुण्याचरो राग द्वेष ती मुक्त बनी ने समता सब समाचरो।